पटना में वार्ड सचिवों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी। वार्ड सचिवों को मिला चिराग पासवान का साथ। आज चिराग पासवान धरना में शामिल होंगे। जैसा कि आपको पता है, पटना के गर्भधनी बाग में वार्ड सचिव महिला थाना के सामने धरना दे रहे हैं और चिराग पासवान उसमें आज उसमें सम्मिलित होने वाले हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया है। कहा है गुजरात मॉडल के तर्ज पर बिहार की हो शराब नीति। उन्होंने कहा है थोड़ी थोड़ी पीना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। और वहीं कंप्यूटराइज लॉटरी से 16,000 लाभार्थियों का होगा चयन। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मिलेगा 10-10 लाख रुपए। नीतीश कुमार और बोल रहे हैं, माँ बहन बेटी का पूरा ख्याल रखे, इन्हीं के साथ होगा विकास। और दरभंगा व मुजफ्फरपुर के स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहा है क्रांतिकारी परिवर्तन। और बहुत बड़ा बयान आ रहा है पिक्के यानी प्रशांत किशोर का। उन्हें मौका मिला था नीतीश कुमार के साथ फिर से काम करेंगे। आपको हम बता दें कि बिहार में नीतीश से सरकार है, पीके का ही दिया हुआ था। और मुख्यमंत्री को जब भाजपा से अलग हुई थी जदयू तो जीत दिलाई थी। और 497 बच्चों की स्क्रीनिंग, इसमें 332 ऑपरेशन के लिए भेजे जाएंगे अहमदाबाद बाल हृदय योजना के तहत कार्रवाई हुई। राजद ने कहा 28 नवंबर 2000 को ही बिहार के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर विशेष राज्य का दर्जा मांगा था। वहीं सब रजिस्ट्रार के पास 60 लाख कैश। और मुजफ्फरपुर में बनवा रहे हैं होटल, पत्नी ससुर के नाम भी प्रॉपर्टी। महिलाओं से बोले नीतीश कुमार, जहां भी दारू व दारूबाज देखिए विरोध कीजिए। नीतीश कुमार खुली चुनौती समझिए कि एक तरफ जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, वहीं नीतीश कुमार महिलाओं से कह रहे हैं कि जहां भी दारू और दारूबाज देखो उस पर हमला करो, कार्रवाई करो। और इधर नजर डाले कि 3,57,000 शिक्षकों को फरवरी के वेतन में 15% की दर से मिलेगी वृद्धि। बड़ी खबर शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के वेतन वृद्धि फरवरी से 15% के दर से उनको मिलेगा। और वहीं 66वीं बीपीएससी की तुलना में 67वीं में 1.5 लाख से अधिक का आवेदन, टली परीक्षा। बच्चों पढ़ना जरूरी है, एक साल कम पढ़ने से 10% घट सकती है कमाई, या फाउंडेशनल लिटरेसी की रिपोर्ट है। और मौलाना मजरूल हक विश्वविद्यालय में वीसी का इस्तीफा। और देश में ओमिक्रोन का लहर, आंकड़ा 100 से भी पार। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों के बीच से, अखबारों में क्या छपा है, क्या आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हमने डालते हैं फटाफट खबरों पर। तो सबसे बड़ी खबर मुझे लगता है रोजगार से संबंधित है। कंप्यूटराइज लॉटरी से 16,000 अभ्यर्थियों का चयन होगा, जिन्हें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 16,000 लाभार्थियों का चयन कंप्यूटराइज लॉटरी के जरिए शुक्रवार को किया जाएगा। लॉटरी चयन समिति, जिसमें उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव और निदेशक के साथ औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को सामने लाइव की जाएगी। लाभार्थियों को में मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति जनजाति, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, यानी 4 श्रेणी के आवेदक हैं। उसमें 10,000 लाभार्थी को कम से कम रोजगार दिया जाएगा। और आंकड़ा यह लगाया जा रहा है, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी है और कहा है कि 16,000 लाभार्थी कम से कम 10 को रोजगार देने में सफल हुए तो साल में 1,60,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। ड्रा के लिए कंप्यूटर में फीड किया गया है 42,477 आवेदनों का डाटा, जिसमें 16,000 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। वहीं नीतीश कुमार बोले
कि माँ बेटी का पूरा ख्याल रखे, माँ बहन बेटी का ख्याल रखे, इन्हीं से होगा विकास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं के बिना कोई विकास नहीं होगा, महिलाओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, माँ बहन बेटी का पूरा ख्याल रखे, अगर वही साथ देगी तो आप आगे बढ़ेंगे। वे शुक्रवार को जयनगर मधुबनी में कमला नदी के पर बराज निर्माण तथा कमला बलान बाया एवं दाया तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, पक्कीकरण फेज वन का कार्यारम्भ करवा रहे थे। और उन्होंने कहा कि जयनगर में रेल लाइन के ऊपर बनेगा आरओबी, राज्य सरकार कराएगी निर्माण। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जयनगर शहर में रेल लाइन के ऊपर आरओबी बनेगा, इसका फंड रेल मंत्रालय देता है और अप्रोच का खर्च राज्य सरकार वहन करती है। इसके लिए रेल मंत्रालय तैयार हो या नहीं हो, राज्य सरकार अपनी तरफ से आरओबी का निर्माण कराएगी। नीतीश कुमार का जैसा एक कड़ा स्टैंड लेते हैं, दे या नहीं दे रेलवे मैं करवाऊंगा, लेकिन सब लोग जानता है कि बिना रेलवे के मंजूरी के ओवरब्रिज नहीं बन पाएगा। और बड़ी खबर आ रही है पीके प्रशांत किशोर, आपको याद होगा मौका आया तो नीतीश कुमार के साथ फिर काम करना चाहेंगे। पीके कहा यूपी चुनाव में फिर से जीत सकती है भाजपा। पीके ने भविष्यवाणी कर दी है कि भाजपा फिर से जीत सकती है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी हो सकती है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर मौका आया तो स्थिति बनी रही तो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी व कैप्टन अमरिंदर सिंह के बजाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ फिर काम करना चाहेंगे। वे एक निजी चैनल के कार्यक्रम में ऐसा कहा। पीके नीतीश कुमार से ज़्यादा नज़दीकी भी है। एक समय ऐसा भी आया था कि पीके ही लगते थे कि बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के बाद सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं। और इधर नदाले की आज महंगाई के खिलाफ सभी जिलों में पद यात्रा करेंगे कांग्रेसी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा थोपी गई महंगाई के बेहद और बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरुद्ध आज पूरे जिले भर में पद यात्रा कांग्रेसी करेंगे। और वहीं जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को शराबबंदी नीति पर फिर से अपनी ही सरकार को घेरा है। बोले राज्य सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। मांझी ने कहा यहाँ तक कह दिया कि गुजरात मॉडल पर शराब नीति को लागू हो। वर्तमान में शराब नीति से गरीबों पर जुल्म बढ़ा है, एक बोतल शराब के लिए उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है। यही स्थिति रही तो सूबे में दर्जनों कैंप जेल बनाना पड़ेगा, मतलब क्या जेलों कैंप जेल बनाना पड़ेगा, अलग से शराबिक जेल बनाना पड़ेगा अगर यही स्थिति रही तो। और इधर नज़र डाले तो पीएमओ ने मोकामा बढ़रिया टाल क्षेत्र समस्या का लिया संज्ञान। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मोकामा बढ़रिया टाल क्षेत्र की समस्या का संज्ञान लिया। इसके बारे में सर्वे ऑफ इंडिया की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। और जैसा कि आपको पता है कि पंचायत चुनाव संपन्न हो गया है और तरह तरह की खबरें आ रही हैं कि पंचायतों में अब राशि की निकासी मुखिया जी नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट, उनको ऑनलाइन भुगतान करना होगा, वेंडर के खाते में अब पैसा जाएगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, जिसे लेकर चर्चाओं का बाज़ार गर्म है। लेकिन वह बाज़ार गर्म इसलिए है कि मुखिया जी को लगता है कि मुखिया जी को या किसी भी वार्ड के प्रतिनिधि हो या कोई भी पंचायत प्रतिनिधि हो, उनका जब वित्तीय लेन देन में उनका डायरेक्ट जो है से वो नहीं हस्तक्षेप करेंगे तो ऐसा नहीं है, वित्तीय लेन देन में उनका हस्तक्षेप होगा लेकिन माध्यम सिर्फ डिजिटल होगा। तो और वहीं एक समस्तीपुर में तैनात मणिरंजन सब रजिस्ट्रार है, उनके पास से आकूत संपत्ति बरामद किया गया है। मुजफ्फरपुर में होटल बना रहे हैं जिसे लेकर यह पूरा गर्म है कि आखिर यह पैसा, जनता का पैसा इन अधिकारियों के पास कैसे लगता है। तो अब कार्रवाई करने की बात आई। 32 लाख के फ्लैट पत्नी के नाम से, अब 5.5 लाख का प्लॉट, 1 करोड़ की 2.5 कट्ठा जमीन ससुर के नाम पर पटना में प्लॉट, लाखों के जेवर रियल एस्टेट में निवेश, 3 गाड़ियां स्कॉर्पियो होंडा इमेज टाटा नेक्सस, कई बैंकों में पासबुक, फिक्स डिपॉजिट में दस्तावेज। 2010 में नौकरी में आए थे, इतने ही कम समय में इतनी संपत्ति उन्होंने जमा कर ली। और राज्य के 3,57,000 शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को फरवरी 2022 के वेतन में 15% वृद्धि का लाभ देना शुरू हो जाएगा। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक
स्कूलों के शिक्षकों के वेतन में लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये के प्रति माह लाभ मिलेगा। शुक्रवार को शिक्षकों के वेतन वृद्धि मामले में सभी डीओ डीपीओ के साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने वीसी कर समय पर शिक्षकों को नए पे मैट्रिक्स के आधार 15% के दर से वेतन वृद्धि डाटा एक्सेल शीट जल्द से भेजने का निर्देश दिया है। जल्द से अब शिक्षकों को 15% बढ़ी हुई वेतन मिलेगा। और वहीं नज़र हम डालें कि ओमिक्रॉन के केस 100 से 5, चेतावनी जारी, गैर जरूरी यात्रा से बचे। देश में कोरोना वायरस धीरे धीरे पांव पसार रहा है। अब संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, सैकड़ा पार या सेंचुरी बना लिया है ओमिक्रॉन। इसलिए सावधान रखें, अपना ख्याल रखें। बढ़ती ठंड को देख सरकार का अलर्ट जारी, ज़्यादा शीतलहरी पर स्कूल बंद कराए जाएंगे। बढ़ते ठंड को देखते हुए सरकार ने अलर्ट जारी किया है और संबंधित जिले को डीएम को निर्देश दिया है कि अगर ज़रूरत हो तो स्कूलों को बंद कर दिया जाए। और वहीं अपराधियों ने मां अंजनासो ट्रेडर्स में घुसकर 3 लाख रुपये और 2 लाख के जेवर लूटे। फुलवारी शरीफ से ये घटना है। 2 बाइक सवार पर 4 अपराधियों ने मां अंजनासो ट्रेडर्स में घुसकर 3 लाख रुपये लेकर फरार हो गए हैं। पटना की खबर है और पटना जैसे शहर में अपराध इतना बढ़ा हुआ है और 5 साल में 21 गुना बढ़े बैंक ग्राहकों के साथ साइबर फ्रॉड। प्राइवेट बैंकों में ज़्यादा मामले, साइबर फ्रॉड आजकल बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। और कोई भी अगर अनजान कॉल्स आता है, आपसे डिटेल्स मांगता है, तो कृपया करके उसकी जानकारी आप नहीं दें, सीधे अपने बैंक से संपर्क करें। किसी तरह के परेशानी हो तो अपने शाखा में जाएं। और वहीं अब खबर आ रही है पटना के गर्दनी बाग से कि वार्ड सचिवों का जो आंदोलन है आज 4वें दिन लगातार जारी है और इस बार बहुत और संख्या में नए वार्ड सचिव पहुँच रहे हैं। वार्ड सचिवों का पहुंचने का सिलसिला जारी है और इनमें साथ मिल रहा है इस बार चिराग पासवान आज 12 बजे जो धरना स्थल पर पहुँचे के संबोधित करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वार्ड सचिव को जो 3 मांगे हैं उन्हें मांग लिया जाए। और आपको हम बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वार्ड सचिवों के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जैसे जो भी जानकारी होगी मैं आपको बताता रहूँगा। और वार्ड सचिवों को जो 3 मांगे हैं, खास करके जो पत्र जारी किया गया है रंजीत कुमार द्वारा, उस पत्र को वापस लेने की बात कही जा रही है या पत्र में स्पष्ट करने की बात की जा रही है कि उसमें जो पुनर्गठन करना है तो वार्ड सचिवों को उसमें नया बदलना है कि पुराना रखना है या स्पष्ट किया जाए। हालांकि पत्र ही वापस लेने की बात करें, हालांकि इस कड़ाके ठंड में जिस तरह से वार्ड सचिव डटे हुए हैं तो नज़दीक समय में या वहाँ से हटने वाले नहीं है और आर पार के लड़ाई के मूड में है। तो जो भी खबर वहाँ से निकल कर आएगी आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आज के सुबह सवेरे में बस इतना ही और जो भी जानकारी उपलब्ध होगी आपको पल पल की रिपोर्ट मिलता रहेगा। खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।